ये थोड़ी निशान है। कौन सी निशान है? आया कुछ नहीं है, तुम की निशान ये है। अपनी याददाश्त को सही रखना। कितने पैसे हो गए? पैसे कितने हुए? पैसे कितने हुए बताए ना, कितने हुए? ये तो 300। हाँ, और ये 50 और कर देती हूँ। पूरे कर दें फिर बता दें पूरे कितने हुए, मतलब कर लें पैसे फिर बता दें कितने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक धनिया और डालू, मेथी डालू? मेथी नहीं, मेथी तो हैगी, मेथी छोटी वाली मेथी है क्या है? हाँ ये वाली मेथी दे दें, 3 दे दूँगी। ये छोटी छोटी लाई है ना मैंने, अभी आज बनाई है, खोल के रख दे। 3 दे दे, 3 दे दे, 3। अरे यार ले कितनी मंदी लग रही लाल वाली चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, इतनी तेज़ बारिश हुई सुबह में और ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ है, तो जब ठंडा मौसम होता है तो आपका दिल भी ठंडा होता है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे। यहाँ पर जो है मैं अम्मी के घर पर आई हूँ, तो अम्मी के घर पर जो है मैं इसी शर्त पर आई थी कि अगर मुझे पकौड़े मिलेंगे तो मैं आऊँगी, क्योंकि जो है मेरे सिस्टर ने मुझे कॉल करके कहा कि आ जाओ, तो मैंने कहा पहले पकौड़े बनाओ फिर आऊँगी, तो कह लेंगे आ जाओ पकौड़े बन जाएंगे। तो फिर खैर अम्मी ने कटलेट्स बनाए हुए हैं और पकौड़े हैं और हरी चटनी, मीठी वाली चटनी इन्होंने जो है रमज़ान के लिए बनाई है, रायता है और मसालेदार सी जो है गर्म गर्म चाय मेरी भाभी ने बनाई है। बहुत जो है हर चीज़ मज़े की लग रही है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक सबको अता करें। खैर तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से जो है थोड़ी सी रमज़ान की जो है तैयारी भी शेयर करूँ। तो मैंने जो सब्ज़ियाँ ली हैं वो मैं रमज़ान में बनाऊँगी, मतलब रमज़ान की तैयारी करूँगी, टमाटर का पेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, क्या क्या चीज़ें जो है मैं आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, क्योंकि मैं अपने लिए जो समझती हूँ कि मेरे लिए ये काम करूँ तो इससे मुझे आसानी होगी, रमज़ान में मुझे टाइम मिल जाएगा इबादत करने का, तो इसलिए जो है मैं वो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है खाने का सिलसिला शुरू हो गया है, हमने जो है खाना थोड़ा से जो है स्नैक खाने के बाद 1-2 घंटे बाद जो है अम्मी के घर पे जो है दलिया बना है इस गोश्त का, लेकिन गोश्त का दलिया वो दलिया नहीं होता, वो बिल्कुल दलीम की तरह होता है, बहुत मज़े का था। खैर घर से खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे, उसके बाद जो है दूसरे दिन का मैं आप लोगों से ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप लोग जब बनाएंगे तो आप बोलेंगे वाह क्या रेसिपी बताई है। मैं आपको जो है दावे के साथ कहती हूँ, ये जो है आप देखिए मैंने हरी मिर्चें छोटे साइज़ की ली हैं, बड़े साइज़ की मिलें, बस हरी मिर्चें जो है आपकी फीकी होनी चाहिए, अगर तेज़ अगर आपको तेज़ मिर्चें मिलेंगी ना तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है चाट मसाला घर का बना हुआ है और इसके अंदर मैंने साबुत धनिया जो है 2 टेबल स्पून भुटा हुआ और ऐड कर दिया है, ज़ीरा डाल दें हम इसके अंदर 1 टी स्पून और इसके अंदर लेमन ऐड कर दें। आप जो घर में चाट मसाला बनाते हैं ना तो उसकी खुशबू अलग होती है, तो कोशिश करा करें घर में ही चाट मसाला बनाएं, इसकी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। तो खैर इसके अंदर मैंने जो है थोड़ा सा नमक ऐड करा है, अब लेमन डाल रही हूँ, हाफ लेमन जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने धो के बिल्कुल खुश कर लिया हरी मिर्चों को और बीच में से इसमें कट लगा के इसके बीज भी निकाल लिए हरी मिर्चों के, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इसको मसाले को देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ और इतने मज़े की रेसिपी है ना तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने कहा कि मैं रमज़ान में नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ये स्पेशल रेसिपी भी मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चाटर चीज़ ली है, तो उसके जो है छोटे छोटे जो है आप देखिए मैं स्लाइस कर लिए हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा मसाला भर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ, चीज़ से बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ जो है मैं ज़रूर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है शौक से खाएंगे, आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे तो इसलिए ज़रूर डालिएगा, ज़्यादा ऐड मत करें, थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर दें। तो बस यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से सारी हरी मिर्चें जो है भर के रख लूँगी, हरी मिर्चें हमारी जो है तेज़ नहीं थी
तो दूसरे साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पहले जो है मैंने बारीक कीमे को एक और दफ़ा जो है चॉपर में निकाल लिया है। तो अब मैं दूसरा जो है बैच डाल रही हूँ कीमे का, तो इसके अंदर जो है मैं मसाले ऐड करूँगी। तो आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता ही चल रहा होगा कि कितने मज़े की रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि जब मैंने भी देखी थी तो मुझे यकीन करें कि मुझे इसकी रेसिपी नहीं मिली, बस मैंने देखा है ये आइडिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही तरीके से आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसके अंदर मैंने बेसन डाल दिया है 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा कीमा जो है ना बारीक कीमा है और वो 1/2 kg कीमा है। 1/2 kg कीमे में मैंने जो है 3 से 4 टेबल स्पून बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसन का थोड़ा सा जो है ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए 3 टेबल स्पून ऐड करिएगा। फिर इसके अंदर आप देखिए मैं और बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ 4 स्लाइस जो है ना, मैंने हल्के से जो है पानी के अंदर सोख करके इसका पानी निकाल के ब्रेड डाल दी है। कुटी मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड करें। और कीमे के अंदर जो है आप साबुत धनिया जो है 4 टेबल स्पून आपने कूट के डालना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, चपली कबाब बन रहे हैं मिर्चों वाले, तो आपने ये ऐड करने। इसके अंदर नमक ऐड कर दें, गरम मसाला आपको जितना अच्छा पिसा हुआ होगा ना उतनी अच्छी खानों में खुशबू आती है, तो इसलिए आप गरम मसाला जो है मज़ेदार सा पीस के रखें। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए तो उसके अंदर अच्छा खास गरम मसाला डालें ताकि अच्छी खुशबू आए और टेस्ट भी आपका मज़े का आए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चपली कबाब के अंदर गरम मसाला और साबुत धनिया का ही ज़्यादा कमाल होता है, तो मैंने बाद में जब हल्का सा टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा गरम मसाला कम लगा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून। आप देखें मैं फटाफट बस जल्दू काम कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना गैस जाने का टाइम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों से रेसिपी शेयर करूं। तो नमक भी मुझे थोड़ा कम लगा था, आप लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करें खाने को जब भी आप बनाया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने नमक मिर्ची जो चीज़ भी आपने डालनी है तो आप उसी में जो है पकते में ही ऐड कर दें। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1/2 लेमन ऐड करा है। अच्छा, लेमन से मुझे याद आया कि ज़ुबैदा आप अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जो है जन्नत नसीब करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जो है आला मकाम अता करे। वो इतनी अच्छी थी कि अभी भी उनकी बातें याद आती हैं, तो वाकई हम सोचते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या जो है बताया है। पहले लोग जो हैं जब वो लेमन ऐड करती थी, हम भी कभी हंसते थे उनकी ज़ुबैदा पर, हर चीज़ में लेमन ऐड करती हैं, हर चीज़ को खट्टा कर देती हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आप कोई भी खाना बना रहे हैं, आप सब्ज़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लेमन डाल देंगे ना तो आपके टेस्ट को ना इन्हेंस कर देता है। इतना लेमन मत डालें कि बहुत खट्टा हो जाए, लेकिन आपने जो है कुछ ड्रॉप जो है खाने में डाल देंगे ना, इतना अच्छा खाना हो जाता है। कोई भी मसालों के साथ आप ऐड करेंगे ना तो खाने का जो ना टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए जो है मैंने अच्छा कबाब के अंदर लेमन डाल तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो मैंने लेमन भी ऐड करा। और इसके अंदर हरा धनिया जो है एक पूरी मैंने हरा धनिया का बंच लिया था, वो पूरा बारीक बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे ये होगा कि मैं इसके अंदर प्याज नहीं डाल रही, इसमें मैंने ब्रेड ज़्यादा डाली है, बेसन ज़्यादा डाला है, हरा धनिया ज़्यादा डाला है, बस में टेस्ट भी आएगा और आपके कीमे की क्वान्टिटी को डबल भी कर देंगी ये चीज़ें जो है ना। और ब्रेड तो वैसे भी जो है फुलाती है कीमे को, तो इसलिए आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा लगाने की। तो मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते जो है गैस चली गई है, और ये मेरी जो है ऊपर से जिठानी की बेटी जो है मेरे लिए मीठा और ये पुलाव लेकर आई है, और मैं भी मिर्च चपली कबाब जो है इनको फ्राई करके जो है भेजूँगी। तो यही होता है कि मैं जब जो है खाना नहीं भी बनाती तो मुझे जो है मेरे ससुराल में से मेरी जो है जिठानी सब जो है कोई ना कोई खाना मिल जाता है हमें कहीं ना कहीं से, लेकिन अल्लाह ताला देखें रिस्क जो है कहीं से भी दे देता है, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये जो है इन्होंने सिवैयों वाली जो है मिठाई बनाई है, इसका नाम मुझे प्रॉपर नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो ज़रूर करूँगी, और चिकन का पुलाव बनाया है, इतना मज़े का जो है लग रहा है ये, और बस मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जो है इसको खाना शुरू कर दिया, और बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो क्योंकि मैंने जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगी इलेक्ट्रिक जो है ये चूल्हा मैंने लिया है, आप जो है आप लोग भी जो है बाय कर सकते हैं, मतलब मैंने नहीं ख़रीदा, ये ख़रीदा मेरी जिठानी नहीं है, लेकिन उनसे मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने जो है जब टाइम देखा कि गैस जाने का जो है टाइम हो रहा है, मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो फिर जो है मैंने कहा उसी पर मैं फ्राई करूँगी। तो अब आप देखें खाना मैंने थोड़ा सा खा लिया है क्योंकि थोड़ा सा गुजारा हो गया, और इसके बाद जो है मैंने मिर्च ली है और इसके ऊपर जो है ना सिर्फ कीमे को लपेट लिया है। तो अब आप देखें इस तरीके से आपने करना है, हथेली पे आपने पहले कीमे को फैलाना है और इस तरीके से फोल्ड करते रहना, करते रहना फोल्ड, उसके बाद बस ये सही से चिपका, आप इसको चिपका दें। बहुत ज़्यादा आप अगर कीमा लेके इसके ना ऊपर चिपकाएंगे ना तो ये बहुत लेयर्स जो है ना बहुत मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ये निकल जाती है, इसी तरीके से वो निकल जाएगी, तो इसलिए आपने बारीक लेकर और उसको इस तरीके से ना प्रेस करके इसको चिपकाना है ताकि ये जो है कीमा मिर्चों पर से ना निकले। तो उस तरीके से मैं बना के रख लूँगी, और जो बाकी बचेंगे मैं इसको जिप लॉक बैग में जो है इसको मैं डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये ईद स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान में भी ट्राई करें, ईद पे भी जो है मेहमानों के आगे आप रखेंगे तो आप वाकई आपसे सब पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। तो अगर जब पूछें तो मेरे चैनल का जो है आप लुक लिंक दे दीजिएगा। तो खैर
आप मेरे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा और शेयर कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है इलेक्ट्रिक जो है स्ट्रोक है और ये एनएक्स का है और ये 6 से 7,000 का जो है उन्होंने लिया है, लेकिन आप लोग अभी ले लेंगे तो शायद आप लोगों को कम का मिल जाए, और आप बाद में लेंगे तो इसके जो है प्राइस और जो है बढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, मैंने फ्राई पैन रखा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना सिर्फ नॉन स्टिक की चीज़ें चलती हैं, नॉन स्टिक का फ्राई पैन, तवा और ये सारी चीज़ें आप नॉन स्टिक की यूज़ करेंगे तो ये चलेगा, वरना नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल डाल के, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं करती। मैं कोई भी चीज़ को कोशिश करती हूँ मैं डीप फ्राई ना करूँ, लेकिन जो कुछ जो है चीज़ें डीप फ्राई के बगैर नहीं फ्राई होती हैं तो फिर उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखें, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तो उसके बाद हम इसको पलट देंगे। हमने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर नहीं बनाना, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करना है ताकि कीमा जो है ना जल्दी से कलर पकड़े, उसके बाद हम इसको टर्न कर लें, क्योंकि बारीक कीमा इतना टाइम नहीं लेगा। तो इसलिए अगर हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे ना तो ये कीमा उतर जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फ्राई करने, जैसे आप किसी भी चीज़ को जो है ना मज़ेदार जितना भी बना लें, लेकिन जब तक उसको अच्छा फ्राई नहीं करेंगे ना तब तक वो चीज़ आपकी मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए कोशिश करा करें, फोकस अपना जो है फ्राई पर ज़्यादा रखा करेंगे। हमने जो है अच्छा फ्राई करना है, पहले आप ऑयल को रखें, उसको थोड़ा सा प्री हीट करें, उसके बाद जो है मिर्चें ऐड करें, मिर्ची या कोई भी चीज़ हो, और फिर मीडियम फ्लेम कर दें ताकि कलर आ जाए। कलर आ जाने के बाद ना अगर आपको लग रहा है कि वो अंदर से नहीं गला तो आप हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दें, वरना ये होता है कि हम हल्की आंच पे ही रखने देते हैं हर चीज़ को तो वो अपने अंदर ना ऑयल को सोख कर लेता है तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है उससे। तो आप देखें अच्छा सा कलर आ गया, मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये जो है 4 से 5 मिनट में हमारी मिर्ची फ्राई होकर जो है निकल जाएंगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। आप देखें हल्की सी जो है इसके ऊपर से लेयर हट रही है, लेकिन ये चिपकी रहेगी क्योंकि कीमा जो है ना श्रिंक होता है ना तो वो हटता है, लेकिन ये बिल्कुल जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मिर्ची अलग हैं और जो है कीमा अलग है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा आपको लगेगा, परेशान मत होइएगा। तो बस दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और हमारी गर्मा गर्म जो है मिर्च जो है अब निकली है ना, तो मैंने एक दो मिर्च जो है ना मैंने खड़े खड़े खा ली, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है तो रहा ही नहीं गया मुझसे। और बस मैं अब जो है अपनी जो है सास को भिजवाऊँगी, अपनी जेठानी को भिजवाऊँगी। अच्छा, मेरे साथ ये होता है, मैं जब कोई जिस दिन मैं खाना ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर मैं दूसरे दिन की छुट्टी कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान को रेस्ट चाहिए होता है और इतना खाना जो है बना बना के मैं थक जाता है, तो इसलिए कोई भी चीज़ आती है ना तो मैं उसको रख देती हूँ। ये मेरी नंद ने जो है मुझे स्टोव भेजा है, तो अब हम इसको कल जो है फिर राइस बना लूँगी तो उसके साथ खा लेंगे, तो ऐसे आपका खर्चा भी कम होता है और आपको काम भी जो है कम करना पड़ता है। तो यहाँ मेरी बहन की जो है फरमाइश थी कि मेरे लिए देसी घी निकाल दो, तो वो निकाला है। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।